पहली बार ये टोपी खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है हवा के में से मैं वो कबूतर हूँ और घोड़ा हूँ उस पर बैठी हूँ। किट 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 घोड़ा ऐसे चल रहा है। काओ बॉयज का नाम सुना है? कौन वाला शिकाओ? हमने गेम खेला था, काओ बॉयज नहीं थे जो चोरियां करते थे, रेल लूटने वाला, पिस्टल को जूम करके इस स्टाइल में मार देते। मैं सुनता हूँ आज हम आपको कॉबॉय के खाने खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। हाँ लेकर आओ, आंखें बंद करते देखते हैं, डराना है, कोई भला लेके नहीं है ना। अगर हम आप बंद करके इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं करना, ठीक से बंद करें। हाँ बंद हो। अब आप अपनी आंखें खोलें। वाह भाई काओबॉय के कैप्स अन्ना जरूर दबा सुनी की जवानी। ये घोड़े पे बैठते हैं और उनके साथ होते हैं, यहाँ से बंदूक टांगी हो, ये पहने हो, अब काओ बने हो और कैप पहनो। हाँ क्या बात है, टोपियाँ दी तो बंदूक भी दो, घोड़ा भी दो। एक बस एक घोड़ा लूँगा फिर सवारी करूँगा। अभी आप खाने पेश करेंगे काए बॉय वालों की, तो हम जाएंगे वो मेंशन करेंगे भाई हम काए बॉय हैं, वही खाना खा रहे हैं। देखने में तो ऐसे जैसे सालन की तरह बना हुआ है। मत्थे वाला चटनी वाला चाय। आलू अम्बा गुड़ आलू बिन खबर बंद शागन। अंदर तो गोश्त मुझ डाला है। मुझे नखरे नहीं करो, खाने खा लो नहीं तो। इसे साउथ वेस्टर्न स्टाइल पोटैटो बेक कहते हैं। साउथ वेस्टर्न स्टाइल पोटैटो बेक। अभी देखो खाना खाता हूँ मैं काऊ का। जी नाजरन हम ये ट्राई करें, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिर्चू जामुन इतना कड़वा भी नहीं है, इतना नमकीन भी नहीं है। बादशाह ना खुराक अर बंदा ना उसका शिकर, गरीब ना खुराक यार का पसंद करे बड़ा खुराक हो दे पा रहा इंसान हो दे पा रहा। सर गोश्त खा दिए सर ही आपने इधर एक दफ़ा कहा था ना महबूब ने सारे गोश्त खाए हमारी हड्डी छोड़ाई, आपने हड्डी तक नहीं छोड़ाई। असा इलाके में था एड़ी ठहल कौन है पकी, एड़ी कच्ची है, मकाई नहीं बटाटा नहीं है मिला। आज से 12 कॉबॉयज 3000 के रेवा को संभालते थे। मैडम मेरे हिसाब से तो 12 लोग इतना संभाल लेते, मेरे से तो टोपी का वजन नहीं संभाला जा रहा है उन लोग। मैं समझता हूँ 12 लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है कि मैंने बेबकियाँ चराई है, 500 से 1000 तक बकरियाँ एक आदमी चरा सकता है। इनकी एक महीने की तनख्वाह $25 से $40 होती थी। एक टमाटर नहीं मिलता 25 रुपये में, अभी ये तो सारा महीना चलाता था पहले। उस टाइम का तो कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम का तो बहुत था। जुम्मे के दिन वो अपने आप को परफ्यूम वर्फ्यूम मार कर ऐसे शो मार रहा होगा जैसे सबसे अमीर बंदा वही है। बहुत अच्छा नहीं लगा वैसे, अच्छा है। मकई भी है, आलू भी है, मुर्गी भी है, तो इसी हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है। बेहतरीन, जबरदस्त, फैंटास्टिक, वेरी गुड। मेरे लिए इतना बड़ा दावत, वाह, फिर मैं बड़ा सेट बन गया ना। अभी ऊँचू तो नहीं है फिर भी दाव दूँ। अलहमदुल्ला खुराक हो तो को खर्चू सेठी नाला फैशन ना वाला। इसको क्या बोलते हैं? इसे कास्ट आयरन स्प्लिट हैश कहते हैं। कास्ट आयरन स्प्लिट हैश। हम बाजू हम मुल्कों ने फिर से ये गरीबों का पिज्ज़ा है मुल्ला, उस टाइम में यही इसी तरह के पिज्ज़ा बनते थे। इसे खून गाएगा मोटा हो जाओ, पेट इतना बड़ा हो जाए फिर ये खा लूँगा, इस तरह से कैसे खाऊंगा मैं। वाह वाह आलू वाह, खाने में सही है, अंडे वंडे के हिसाब से थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। साफ उगड़ा होता ना बैद मैद शागाना धनुन ये लोग तो खुला ना सब्जी फ्रूट। कौबर जब घोसवाई नहीं करते थे तो वो मेहनत मजदूरी करते थे, इनका काम 15 घंटे तक चलता था। खुद के काम के लिए 15 घंटा तो सही है या गैर मजदूरी के मुताबिक बहुत बड़ी। खाना कब खाओगे, सोओगे कब, रिलैक्स कब करोगे, जितना भी पहलवान बंदा हो वो ख़त्म हो जाता है। तो उन लोगों ने इतनी तकलीफें देखी तब उनका नाम रोशन हुआ ना, अगर हम ऐसे करते तो हमारा भी नाम रोशन हो जाता। कुछ कावर्स को रेडियो कावर्स भी कहा जाता है। रेडियो कावर्स वो ज़्यादातर मुश्किल मुकाबला में हिस्सा लेते थे, जैसे कि बैलों के ऊपर सवारी करना। ना तो बहादुरी ने गाली में छोड़ा, बहादुरी दिलीरी। पहले के ज़माने में मोबाइल कौन सा था या टीवी, तो इसी तरह की हरकतें करके टाइम पास करते थे बेचारे। आप उन्हें देखना चाहेंगे? भाई ये तो मुश्किल काम है, आसानी कहाँ है। तस्वीर में उसको पकड़ा ऐसे
लिख भी पकड़ा है उसको, ऐसे खींच रहा है। हम बकरी को नहीं पकड़ते थे, ये दिन गाय को पकड़ा है। मैं समझता हूँ जबरदस्त चीज है, मिक्सर से बना हुआ है लेकिन है जबरदस्त। बहुत अच्छा मेरे को ये इतना खादा खादान सुबन का ही प्यार खादो भलो खादो। इसे चिकन एंड कॉर्नब्रेड कैसरोल कहते हैं। चिकन एंड कॉर्नब्रेड कैसरोल, इतना बड़ा नाम देते हैं, बस सादा बिल बोले भाई चिकन, बस बात खत्म। केक लग रहा है लेकिन गोश्त वाला, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो पता नहीं कैसी लगेगी। टूट पड़े टूट पड़े सुनना। वाह फिक्की लसन में जाए खारी कौन, इसमें नई मिर्ची है नई नमक है। दांत किचन उगड़ा जा मैं एकदम फरो सुरक्षित अपना पिंगड़ा से। कौवा ये टोपी इसलिए पहनते थे ताकि सूरज की किरणों से बच सके, और इस टोपी को जानवरों को पानी पिलाने के लिए बर्तनों के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। एक दिन से दो शिकार, टोपी की टोपी भी हो गई, धूप से भी बच गए, घोड़ों को पानी पीने के लिए बर्तन भी मिल गया। दांत साफ उगड़ा माशाल्लाह बेहतरीन था जबरदस्त। काश हमें भी पहले शुरू से ऐसी आदत पड़ जाती, हमारे में भी जान आ जाती। जबरदस्त है, पहली बार ये टोपी पहनी और ऐसे लग रहा है हवा के में से मैं वो डॉबा रहा हूँ और घोड़ा हो उस पर बैठी हूँ, किट 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 घोड़ा ऐसे चल रहा। अरे सालन से उड़ान तसी ना खबर है, सालन ये अंडे का सालन लग रहा है। नहीं सर कीमे कीमा है, कीमा कीमा ऐसे मैंने सालन तो खाए बहुत अच्छे लगे हैं, ये तो पता नहीं फिर कैसा होगा। इसका नाम कौवा चिली है। कौवा चिली अला केड़ा केड़ा नाला चिली चिली हरी मिर्च। ओ कानू को कपास दे दो फिर इसको हाथ लगा लो पांव लगा लो। चिली 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 वाह, जैसे कहते हैं ना चिकन गोश्त फ्राई। हम खुकुड़ ज्यादा सब्जी कम मीठी तो वांगन ना निशान मीठे नु तो जाके सुठो मिर्चों ज्यादा नॉर्मली इतना चिली नहीं है इसमें तो मिर्ची तेज है। मुझे तो जायका दे रही है, अगर ये रोटी के साथ खाते तो और भी अच्छा लगता। नमकीन भी है टेस्ट भी है मसाला भी है। उस जमाने में मैं सोचता गनीमत होगी ये सब फैशन समझ कर खा रहे होंगे, वो डांस करते हुए आएंगे अपनी टोपियाँ पहनकर। हाँ फिर भी जी खुद बाटी के खाना बाजार का उसी खुलिया जवान तेज करो था फिर ये बहुत अच्छी याद किया है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है तो जाहिर खुराक तो करेगा ना। नमक थोड़ा ज़्यादा डालते थे बहुत अच्छी लगी भलो होगा बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ शौकिया कोई खाता है वो अपने लिए इसी तरह बनाता है बेहतरीन है। कौवे के खाने खाकर कैसा लगा? खाने भी अच्छे लगे, उनकी तस्वीरें देखी और भी अच्छे लगे, और उनके बारे में ये जब सुना है तो और भी अच्छा लगा। टोपी भी गिफ्ट मिला और खाने भी गिफ्ट मिले। मैं समझता हूँ जिस एपिसोड में हमें गिफ्ट मिल जाए तो उसमें और भी ज्यादा खुश होता है। बंदूक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बुरी चीजें इंसानों की जान लेती है। बंदूक सरकार के पास होना जरूरी है, कोई अपने शौक से रखते हैं वो ही अच्छा नहीं। हमारे यहाँ जेवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मर्द दसरात हमेशा उठाए रखते हैं। फैशन नारा बंदगा को वो सिर्फ अंसे की खरमा न खासरा नहार की नहारत बरे के खलीर ई आंता ननकाम बरे माल सीटी थम्मे हो हिफाजत करने की दाद तोरी के चूफका थी। अलहमदिल्ला नुमा बाज बाज मेहरबानी फिर मजीद ही ख्वाहिश हो रही पिटोना बाबू अलहमदिल्ला नाना नुमा मुलाकात मरे। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाना। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा। ये कौन करता है सर? काऊ है ऐसा करते ऐसा करते है। क्यों भाई गरीबों का क्या हुआ है।